अरे ये तो भगवत गीता निकला। क्या बात कर रहे। हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और गाइस ये देखो एक पार्सल रिसीव हुआ है, और ये पार्सल मतलब ये मिस्ट्री बॉक्स है गाइस। कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, एक दो महीना पहले ऑर्डर किया गया था, फरवरी को शायद, और आ जा रहा है दो महीने है ना। और मैं ऑर्डर किया था 8 मिस्ट्री बॉक्स आने वाला था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पार्सल आया, और इसके अंदर क्या है पता नहीं। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या है। तो हमारे प्रोफेशनल अनबॉक्सर ये देखो बैठ चुके हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करो। औजार लाओ, औजार। औजार लाओ, औजार बोले तो ट्रिमर, ट्रिमर से नहीं आज, आज सीजर से काम चलाओ। बस हैं, शुरू होते ही खत्म हो गया ये तो। अरे ये तो भगवत गीता निकला। क्या बात करते। मम्मी की काम आ जाएगा फिर। हैं क्या तो? बस यही है भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और क्या, मिस्ट्री बॉक्स में कुछ भी हो सकता था। तो देना चाहिए ना। मिस्ट्री बॉक्स यही होता है, ऐसा ही होता है। वो आया है वही बड़ी बात है, नहीं तो मिस्ट्री हो जाता, वो आता ही नहीं। वो नहीं आता, वही एक मिस्ट्री हो जाता। नहीं, इसके साथ भी और कि क्यों नहीं आया भाई। और एक ठो ये क्या चीज, एक ठो मिला है हमारे भगवत गीता। अच्छा चीज आया, बोलो। अच्छा चीज आया, हाँ। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। हाँ। हिंदी में नहीं है। नहीं। हिंदी में रोने से और मेरा अभी तो काम आता है। अच्छा चीज आया ये महीना में, गीता ना बहुत अच्छा चीज आया हम लोग का घर में। और एक ये क्या है, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? खोलने के बाद ही पता चलेगा। स्टिकर वगैरह होगा, कुछ मीम चैट वाले स्टिकर भेजे होंगे शायद। क्या क्या पैकिंग कर रहा है रे? लक्ष्मी नारायण है, स्टिकर है। जब भगवान दिया था तो भगवान का ही फोटो देना चाहिए। सब मीम मीम लगा के दे दिए, जितने भी मीम होते हैं उसका स्टिकर काट काट के दे दिए। तो गाइस यही था मिस्ट्री बॉक्स, मिस्ट्री रह गया कि भाई क्यों नहीं आया बाकी सारा सामान, सिर्फ एक भगवत गीता भेज दिए और कुछ स्टिकर, चंद स्टिकर भेज दिए बस। नहीं, 8 मंगाए थे तो 8 देना चाहिए ना। 8 अच्छा, 8 तो जो भी चीज देने से 8 देना चाहिए। क्या बोल सकते हैं यार, छोड़ो। आया ठीक है, आया वही बड़ी बात है दोस्तों। हम तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि आएगा बोल के, क्योंकि मैसेज पे मैसेज एकदम इतना ज्यादा कर रहा था, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। मतलब आ रहा था बार बार एक ही मैसेज कि भाई आपका डिटेल भेजो क्या क्या ये, लेकिन वो लग रहा था कि भाई स्कैम हो गया हम लोग के साथ। फिर भी तो आया तो सही, आया ठीक है, लेकिन और एक दो तो चीज आता तो खुश हो जाता। यार छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। स्वयं भगवान आ गया रे, आज क्या चाहिए हैं? स्वयं कृष्ण जी आ गया तो और कुछ नहीं चाहिए।
गाइस अभी शाम हो चुका है और अभी बन रहा है घर में चावल और उड़द दाल का छिलका। इसी से बनता है वो डोसा वगैरह नहीं होता है, इसी से बनता है ना है? बहुत सही लग रहा है, मैं एक थोड़ा सा खा के देखा तो बहुत सही लग रहा है। और ये देखो ये भी इधर एक खेव रहे। मम्मी जी गर्मी में मन नहीं कर रहा बनाने को, लेकिन अच्छा बन रहा है। अच्छा हल्दी दिया हुआ है। और गाइस बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसीलिए पूरा लाइट वगैरह बंद है और ऐसा ही रहता है शाम का माहौल, ऐसा ही रहता है घर में, लाइट वाइट सब ऑफ रहता है ज्यादातर। व्यू भी लगाते हैं मस्त, अभी देखेंगे। और दोपहर को कुछ नहीं हुआ, दोपहर को इतना ज्यादा गर्मी, इस बेड से उस बेड, उस बेड से इस बेड, ऐसे ही करते करते दिन पार हो गया। हाथ नहीं लगाने का, कितना बार धोएंगे? अभी आटा का छिलका होता तो हाथों से ही कर देते। बन जाए उसके बाद खाएंगे एक ही बार। हमसे तो गाइस रहा नहीं गया तो मैं ले लिया एक, और उसके बाद जब मम्मी पूरा बना लेंगे ये सब फिर दोबारा से एक बार खाएंगे। अभी अच्छा लग रहा है, गर्मा गर्म अच्छा लग रहा है। लास्ट वाला छिलका बन रहा है। वाह ये क्या है, डॉल बना रहे आप? ये दो हाथ है, ये फ्रॉग है, और ये बॉडी का ऊपर वाला पार्ट अभी मिसिंग है, छोड़ो। देखने में अच्छा लग रहा है। और देखो गाइस इतना सारा बना है जो कि काफी नहीं है, है ना? मैं तो गाइस दो ठो ऐसे ही खा लिया, और भैया भी दो ठो खा लिया, और अभी इतना सारा है यहाँ पे तो ये सब है, काफी है। अगर फिर भी कम पड़े तो पास्ता बनाइए, पास्ता आज हो जाएगा। रोटी वोटी बनाने का मन नहीं करता है असल में, इतना ज्यादा गर्मी है और ये किचन तो बहुत हीट होता है आपको जैसे पता है अगर आप डेली देख रहे हो। रात भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा थी, देखो कूलर में अभी पानी भरा जा रहा है, उस कूलर में भी पानी भरा जा रहा है, तो ये भरने के बाद मस्त सो जाएंगे भाई, आज कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा नींद लग रहा है, ना जाने कितने दिनों से अच्छे से सोया नहीं हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।